आज के वीडियो में साथियों बात होगी अपनी बात को असरदार या दमदार कैसे बनाएं, आइए देखते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राकेश सिंह बख्शी अपने YouTube चैनल राकेश सिंह बख्शी पर एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि मैंने पहले बताया, आज का विषय है अपनी बात को असरदार या दमदार बनाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, या आप अपनी बात किसी बैठक में या समाज में या किसी संगोष्ठी में जब रखते हैं तो लोग ध्यान नहीं देते। यदि आप उस बात को उपहास उड़ा देते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी बात करने के वे ऑफ टॉकिंग में कुछ कमी है, इस कारण से आपकी बात ध्यान से नहीं सुनी जाती है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी बात असरदार हो, सब लोग ध्यान दें, तो बहुत ज़रूरी है कि आप कम बोलें। जो भी चर्चा हम करते हैं उसका असर हमारे ऊपर होता है, तो इसलिए सबसे पहले जिस भी जगह आप बैठे हैं या जहां आप अपनी बात को असरदार बनाना चाहते हैं जिनके बीच में, तो सबसे पहला होता है कि कम बोलें। मौन मूर्ख का आभूषण है, ऐसा भी कहा गया है। यदि आप जिस विषय में आपकी जानकारी ना हो उस विषय में ज़बरदस्ती की टांग भी ना फंसाएं या अपनी बात उस विषय पे ना रखें। यदि आपको पूर्णतः जानकारी है तभी उस विषय में अपनी बात रखें, पूरी बात समझ लें कि क्या बात चल रही है, उसके बाद अपनी ओपिनियन या सलाह या अपनी बात रखें। धीरे बोलें। बहुत से लोगों को ये भ्रम होता है कि हम जोर से बोल के हम अपनी बात को असरदार बना देंगे या ज़बरदस्ती थोप के हम अपनी बात मनवा लेंगे। ये गलत फहमी होती है हमारे मन में, कभी भी ऐसा नहीं होता है। आपकी बात असरदार हो इसके लिए बहुत आवश्यक है कि धीरे बोलें और मीठा बोलें, अच्छे से बोलें, जी और आप जैसे अच्छे संबोधनों का भी इस्तेमाल करें। अपनी बात कम शब्दों में और सार्थक शब्दों का इस्तेमाल करके रखें। ऐसी बात बोलें जो सबको प्रिय लगे, समय अनुकूल हो, जिस विषय को लेकर चर्चा चल रही है उसी विषय की आप जानकारी है तब वो चर्चा करें। वरना होता ये है कि चर्चा कहीं की चलती रहती है और बात आप कहीं की धर देते हैं, तो आपकी बात को लोग उपहास में ही उड़ाएंगे। बात वह करनी चाहिए जो हम स्वयं कर सकते हैं। नैतिकता की शक्ति, जैसे हम कहते हैं कि नैतिकता की शक्ति जो होती है वो तभी आती है जब हम वो बात बोलें जो हम स्वयं कर सकते हैं। एक बड़ा अच्छा सुंदर उदाहरण आता है हमारे इतिहास में। महात्मा गांधी जी के पास एक माँ अपने बेटे को लेके गई, क्योंकि महात्मा गांधी जी की बात पूरा देश उस समय माना करता था। तो उस माँ ने सोचा कि मैं भी अपने बेटे की कंप्लेंट थोड़ी सी, क्या उनका बेटा गुड़ बहुत खाता था, तो महात्मा गांधी जी के पास गई और बोला कि बापू, ये हमारा बेटा जो है गुड़ बहुत खाता है। तो महात्मा गांधी जी स्वयं भी गुड़ बहुत खाते थे, तो उनने उस दिन कहा कि आप एक हफ्ते बाद आएँ, फिर मैं आपको या आपके बेटे को मैं समझा पाऊँगा। उसके बाद उन्होंने किया ये कि स्वयं गुड़ छोड़ के देखा कि गुड़ न खाने से क्या होता है। एक हफ्ते तक उन्होंने गुड़ नहीं खाया। उसके बाद जब माँ दोबारा आई अपने बेटे को लेके, तो उनने समझाया कि बेटा अधिक गुड़ खाने से शरीर को नुकसान पहुँचता है, तो गुड़ सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए। वैसे गुड़ काफ़ी फायदेमंद होता है, पर अधिक खाने से कृमि भी हो जाया करती है, ये डाइजेशन सिस्टम को ठीक करता है। बाकी बहुत अधिक खाने से दांत भी खराब हो जाया करते हैं, तो गुड़ खाने के बाद थोड़ा सफाई का भी ध्यान रख लेना चाहिए। तो ये हुई नैतिकता की शक्ति, कि जब व्यक्ति स्वयं जो कार्य करता है और उसकी सलाह देता है तो सामने वाला भी मानता है। तो इसी प्रकार से आप जो कार्य स्वयं कर सकते हैं वही सामने वाले को करने को बोलें या वही बात रखें। बात सत्य हो इसका भी ध्यान रखें। सत्य के साथ साथ जो बात आप बोल रहे हैं, मान लीजिए किसी की आप तारीफ कर रहे हैं, तो मन में
भी वही चलना चाहिए, या जो सोच रहे हैं आप वही आपको बोलना चाहिए। जब आप सत्य बोलेंगे तो इस प्रकार की स्थिति होनी चाहिए कि ये दुराग्रह ना हो कि मन में कुछ अलग चल रहा है और ऊपर फट्टी या ऊपर से आप ऐसे शब्द बोल रहे हैं जो प्रिय हों, तो वो कार्य नहीं करेंगे। बहुत आवश्यक है कि आपका मन, वचन और कर्म एक से होना चाहिए, तभी आपकी बात असरदार होगी और आपकी बात दमदार होगी और लोग आपकी बात पे विश्वास करेंगे, मानेंगे। ये नैतिकता की शक्ति की एक और अच्छा उदाहरण ये भी है, आपने देखा होगा हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना पीरियड में बहुत से ऐसे अभियान चलाए, जैसे एक दिया जलाने का, तो पूरे देश ने दिया जलाए। तो ये भी एक नैतिकता की शक्ति थी, क्योंकि वो जो बोलते हैं वही करते हैं, वो जो करते हैं वो बोलते हैं। तो एक नैतिकता की शक्ति जब इकट्ठी होती जाती है तो आपकी बात सार्थक होने के साथ साथ वह दमदार और असरदार हो जाती है। जो हम सोचते हैं वो हमारे कार्य बनते हैं, और जो हम कार्य करते हैं वही हमारा भाग्य बनता है। तो इसी प्रकार से ये नैतिकता की शक्ति का समायोजन होता चला जाता है, और आप की बात असरदार और वजनदार बनाने के लिए हमारे तो ऐसी बात करनी चाहिए कि सबको सुख हो, सबका हित हो, यानी कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा काश्चित् दुःख भाग्य भवेत्। यानी कि हमारे तो वेद वाक्य हैं, हमारी भारतीय संस्कृति, हमारा धर्म ऐसा है जो कहता है कि सभी को सुख हो, सबके, यानी कि वासुदेव कुटुंबकम, पूरे विश्व को, जैसे विश्व का कल्याण हो। वो कहते हैं ना, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। केवल हम एकमात्र भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति वाले लोग हैं जो विश्व के कल्याण की कामना करते हैं। किसी भी धर्म में, किसी भी संस्कृति में इस प्रकार के वाक्यों को समाहित या समावेश नहीं किया गया है जो विश्व कल्याण की भूमिका निभाते हों। जब कोई भी आप बात करते हैं तो किसी को क्रिटिसाइज ना करें, किसी की निंदा ना करें, किसी का अपमान हो ऐसी बात ना करें, किसी का दिल दुखे ऐसी कोई बात नहीं करना चाहिए। तो दुआएं दें, ऐसी बात करें कि सभी को प्रिय हो, और उनको दुआओं की सबको ज़रूरत है, बातों में या किसी भी तरीके से ब्लेसिंग या शुभकामनाएं दें। बातों बातों में भी हाई वाइब्रेशनल, यानी कि जिनसे सकारात्मकता, सात्विकता की बात चलती हो। बहुत से लोग इतिहास में चले जाते हैं और चर्चाएं चलती हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वो इस प्रकार के थे, ये मार देते थे, वो मार देते थे। इस प्रकार की हिंसात्मक बातें भी हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि सामने वाला सोचता है कि हमको क्या लेना देना है तुम्हारे पूर्वजों से, या तुम ऐसे खानदान से, हमको इससे क्या लेना देना। इस प्रकार की बातें हमको नहीं करना चाहिए। उसी के स्थान पर ऐसी बात करें, जैसे मान लीजिए किसी को आप देखने गए हैं, कोई बीमार है, तो उस समय बहुत से लोग इस प्रकार से फीलिंग पैदा करते हैं कि उसके साथ दुखी खुद होने लगते हैं, खुद रोने लगते हैं, या फिर ऐसी बात करते हैं, अरे राम राम, बहुत कष्ट है आपको। तो इस प्रकार की बातें ना करके हमको इस प्रकार की बात करना चाहिए कि नहीं, आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ऐसी घटनाएं सुनानी चाहिए उनको कि उधर उनको भी ऐसा हुआ था, वो 3 हफ्ते में ठीक हो गए थे, उन्होंने इस प्रकार की दवा सेवन की, इस प्रकार से परहेज किया, इस प्रकार से भोजन व्यवस्था की, वो बहुत जल्दी ठीक हो गए। या सकारात्मकता, यानी कि ऐसे काम या ऐसी बात बताएं जो उसके स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाए, ऐसी बात करें, उसका मनोबल बढ़ा सके। ये भी एक किस्म की सेवा है। यदि आप ऐसी बात करके उसके मनोबल को बढ़ा देते हैं तो उसको रोग मुक्ति से बहुत जल्दी निजात मिल जाएगी। तो ये भी एक किस्म से सेवा ही होगी और आपकी बात असरदार होगी, क्योंकि सभी को शुभकामनाओं या हाई वाइब्रेशनल थॉट्स या कहना चाहिए दुआओं की ज़रूरत होती है, और सब लोग अच्छा ही। आप स्वयं भी सोचें, यदि आपके विषय में कोई नेगेटिव बात करे तो आपको अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। तो इसलिए आप भी किसी के बारे में भूल कर भी नेगेटिव बात ना करें, हो सके तो तीसरे की बात
बहुत जरूरी हो तभी करें, वरना तीसरे पर पहुंचे ही ना। तीसरे की जब बात करते हैं तभी बातों में रस आता है और वहीं से निंदा शुरू हो जाती है। देखा उसने कैसे कपड़े पहने थे उस दिन और बहुत अपने आप को अच्छा समझ रहा था। इस प्रकार की बातें होती हैं। ये निश्चित है कि जो व्यक्ति आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा है वो आपकी बुराई उसके सामने करता होगा। ये आदतें होती हैं, इस आदत में सुधार कर लें। कुल मिला के जो सोचें वही बोलें, हाई वाइब्रेशनल या सकारात्मक बातों को अपनी बातों में रखें, इससे आपकी बात असरदार होगी। सत्य बोलें, प्रेम से बोलें, नैतिकता के साथ बात करें तो आपकी बात वजनदार होगी, असरदार होगी और दमदार होगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे लेता हूँ विदा। नमस्कार।